प्रेस के घेरे में आ गए हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने कहा 62 पार्टीज। मैं ये मिंट अखबार, ये मिंट अखबार की रिपोर्ट पढ़ रही हूं यहां, जिसमें कहा कि आपकी बात सही है, 62 लोगों से जवाब मांगे गए थे, 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने फीडबैक दिया, 32 ने सपोर्ट किया, 15 ने उसको रिफ्यूज किया। आपने कहा 30, यहां 32 है, 32 आउट ऑफ 62 मेजॉरिटी है, 47 में से सिर्फ 15 सिर्फ पार्टियां हैं जिन्होंने अपोज किया था, 32 पार्टीज ने सपोर्ट किया है, और बाकी की 15 पार्टियों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो आधे से ज्यादा लोगों ने, और ये शो जो है ये फैक्ट्स पर चलता है, इसीलिए मैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आपको प्रूव कर रही हूँ कि आप फॉल्स बोल रहे हैं। 32 पार्टियों ने सपोर्ट दे दिया है और ये हाफ वे मार्क से ज्यादा है। अगर ये हाफ वे मार्क से ज्यादा है तो सिद्धार्थ यादव जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में इसकी एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नविका जी, हमारा देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। लोकतंत्र में कंसल्टेशन में जिस तरफ ज्यादा मत होगा या अच्छी सार्थक चर्चा के बाद जो बेटर देश के लिए लगेगा उसको फॉलो किया जाता है। मात्र पॉलिटिकल पार्टीज का तो आपने लाइट डिटेक्टर टेस्ट करके अच्छा हुआ इनको पकड़ लिया। उसके अलावा जिन लोगों से कंसल्टेशन हुआ था, जनरल पब्लिक में 80% लोग लगभग उन्होंने इसका समर्थन किया है, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब बताइए, ये विवेक श्रीवास्तव जी यहां बैठ के कह रहे हैं खर्च बढ़ जाएगा अगर आप एक साथ चुनाव करेंगे, तो क्या जवाब दूं मैं क्या कहूं इनको? सवाल पब्लिक भी कई पूछ रही है। मोहिंदर का पटना से सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन आ भी गया तो क्या राजनीति में अपराध भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा? बहुत बहुत सही सवाल है और जनता के लिए बहुत जरूरी सवाल है। रंगनाथ का देहरादून से सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन तो तब भी होता था जब संविधान लागू होने के बाद देश में चुनाव होने शुरू हुए थे, अब लागू हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मंजू रानी का जयपुर से सवाल है, कहा जा रहा है कि एक साथ एक चुनाव के से चुनाव कराने का खर्च कम होगा, लेकिन क्या गारंटी उसी एक चुनाव में बार बार चुनाव कराने जितने खर्च नहीं ना हो जाए? इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। पहले तो क्या अपराधी पार्लियामेंट में आना बंद हो जाएंगे? अगर रिफॉर्म ही करना है तो कम से कम ये रिफॉर्म करें जो जनता मांग रही है। देखिए नविका जी, हर कमी का या हर गलती का एक ही सलूशन नहीं हो सकता, ये दूसरी समस्या का समाधान है। उस समस्या के समाधान पर सबको मिलकर काम करना चाहिए, हम तो इसके लिए प्रतिबद्ध है। वी आर दी ओनली पार्टी जिसमें सबसे कम जो पार्लियामेंटेरियंस है इन रेशियो सबसे कम है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बाकी लोगों की टीएमसी की क्या हालत है, समाजवादी पार्टी की क्या हालत है, कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है? अब वो ये कहेंगे नहीं हमारे पास तो जी है ही 10, अरे आपके सांसद ही 40 थे इसलिए 10 वाली बात नहीं, रेशियो की बात करिएगा, ये पहली बात। दूसरी बात जो इसमें खर्च की बात है, देखिए ये तो कोई भी सामान्य आदमी समझ सकता है कि आप और हम अगर कोई चीज हर साल हर 6 महीने में हर 3 महीने में देश में कहीं चुनाव होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट बढ़ती है, इलेक्शन कमीशन की डिप्लॉयमेंट होती है, सरकारी कर्मचारी चुनाव में सारा खर्चा हुआ तो फिर पब्लिक का कौन सा पैसा बचा? नहीं, वो सारा खर्चा नहीं होगा, यही तो पार्ट है चुनाव कराने, ये गारंटी है नविका जी। इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है, देखिए कहीं भी चुनाव कराने के लिए आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जिन स्टेट्स में 7 चुनाव होता है लोकसभा के, 5 में तो होता है, आप उनका रेशियो उठा के देख लीजिए, उनका 5 साल में इलेक्शन पर क्या खर्च है और जहां पे अलग अलग होता है उनका क्या खर्च है, आपको वहीं से खर्चा पता चलेगा। आशुतोष वर्मा जी, मैं अब इस पैनल पे सिर्फ वोटिंग लेना चाहती हूँ। आशुतोष वर्मा जी, आप चर्चा होगी और चर्चा मांग रहे हैं वो जायज है, लेकिन बिना सुने बिना देखे क्या आप अपोज करेंगे या सपोर्ट करेंगे इस सुझाव को? यस और नो? नविका जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कितनी होगी और किस तरीके से इस देश के संघवाद को संभाल के रखेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये यस और नो वाली चीजें नहीं है कि आओ और जाओ, इससे बात होगी और बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर देश के भविष्य की बात है तो इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी वाले भी गारंटी फिर बोलने लगे हैं, अभी गारंटी का जवाब 2024 में मिला है और फिर मोदी की गारंटी, तीसरी बार सरकार 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एम्प्लॉयमेंट की गारंटी। तो
वो देख रहे हैं तीसरी बार सरकार, वो पता है, हिस्टोरिक है, पता है, गारंटी तो गारंटी शब्द मत बोला कीजिए, हम लोग हंसने लगते हैं। धन्यवाद, चलिए अब किसकी गारंटी चलेगी, किसकी सरकार? ग्राफ नीचे हल्का सा नीचे होना और ग्राफ हल्का सा ऊपर जाना, क्या ये गारंटी करता है कि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया और ये बिल्कुल ऊपर चढ़ गया? शायद नहीं। लेकिन ये श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ, विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो प्रपोजल है, अभी प्रपोजल है, पास हुआ है, रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई है यूनानिमसली, और दो फेज में इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल दुरुस्त है। आशुतोष जी के भी सवाल कि इसके डिटेल्स क्या होंगे, लेकिन ये तो बिल, क्योंकि अमेंडमेंट्स कम से कम 8 से 10 अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत है, तो इसका डिटेल तो आएगा पार्लियामेंट में ही, और पार्लियामेंट में अगर वक्फ बिल पर चर्चा हो सकती है तो इस पर भी हो जाएगी। इशू ये है कि प्रिंसिपल पर ऑपोजिशन करना और बस मोदी ने कहा है तो हमें विरोध करना, ये कहां तक सही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी सत्ता में ना रहे, भाजपा सत्ता में ना रहे, संघ सत्ता में ना रहे और देश को ना तोड़े, इसलिए विरोध करना आवश्यक है। ऐसा लगने लगा है संघ को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुके हैं, नेशनल लेवल पे इनका वर्चस्व है, अनेकों राज्यों में इनकी सरकार है, तो इस प्रकार के बिल लाए जाएं जो इनको सत्ता में रहने में इनकी मदद करें, और ये जो ये लाए हैं ये उसी के तहत लाए हैं, इसीलिए हमारा एक विरोध है। ये रीजनल और छोटी पार्टी के विरोध में है। 62 पार्टियों को अप्रोच किया गया था, अपना वक्तव्य बताएं आप इस ड्राफ्ट के साथ हैं या नहीं, 47 ने ही इसका रिस्पॉन्स दिया, जिसमें से मात्र 30 ने, उसमें कुछ इनके एलाइज हैं, एग्री किया, यानी कि 32 अभी भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने शुरू में ही बिना कुछ देखे इसकी अनदेखी करी है। हमारा ये मानना है कि 1967 तक लोकेश जिंदल ठीक कह रहे थे, वर्चस्व कांग्रेस पार्टी का था, विरोधाभास नहीं था, रीजनल पार्टीज उभर के नहीं आई थी, अपोजिशन की अन्य पार्टीज बढ़कर के नहीं आई थी, बीजेपी भी आपकी नहीं बनी थी, कंडीशन अलग थी। आज का जो अगर आप राजनीतिक समीकरण को देखेंगे, छोटी बड़ी पार्टियों को देखेंगे, तो इस तरह के मूव सही नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो बैठ करके निकाले हैं, कश्यप साहब ने, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कई अखबार में उन्होंने लिखा है, मैंने पढ़ा था, 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कम से कम इसमें चाहिए। अभी जो फिक्स टर्म आपने रखा हुआ है असेंबली का, वो भी आपको तोड़ना पड़ेगा 100 दिन के बाद, जैसा हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा असेंबली आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन पंचायत के म्यूनिसिपैलिटी के लिए उसके बाद 100 दिन फिर आपको देने पड़ेंगे। और लोकेश ने यह भी सही कहा था कि रिसाइकलेबिलिटी ऑफ द ईवीएम्स ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन जो पहले हो जाता था, वो अब आप कैसे करेंगे? इसका मतलब आपको संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अभी मोदी साहब लेकर के आए हैं अभी कैबिनेट के थ्रू, कीजिएगा, फैक्ट चेक कर रही हूँ, लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ गए हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने कहा 62 पार्टीज, मैं ये मिंट अखबार की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ यहाँ, जिसमें कहा कि आपकी बात सही है, 62 लोगों से जवाब मांगे गए थे, 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने फीडबैक दिया, 32 ने सपोर्ट किया, 15 ने उसको रिफ्यूज किया। आपने कहा 30, यहाँ 32 है, 32 आउट ऑफ 62 मेजॉरिटी है, 47 में से सिर्फ 15 सिर्फ पार्टियां हैं जिन्होंने अपोज किया था, 32 पार्टीज ने सपोर्ट किया है, और बाकी की 15 पार्टियों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो आधे से ज्यादा लोगों ने, और ये शो जो है ये फैक्ट्स पर चलता है, इसीलिए मैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आपको प्रूव कर रही हूँ कि आप फॉल्स बोल रहे हैं। 32 पार्टी